नमस्कार, मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जो लापरवाहियां है, जो कमियां है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं। साथियों, इस यूनिवर्सिटी का कार्य क्या होता था पहले? तो 3 साल का आपका स्नातक का ग्रेजुएशन का कोर्स 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा देते थे, लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में इतना सुधार ज़रूर हुआ है कि अब 3 साल का कोर्स 3 साल के आसपास आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, ये हमेशा से ही चली आ रही है कि इस यूनिवर्सिटी में आपके जितने भी बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, सारा एग्ज़ाम देने के बाद भी उन्हें बहुत सारे रिजल्टों में पेंडिंग डाल दिया जाता है, और यही मेरे साथ हुआ। मेरा भी रिजल्ट पेंडिंग में है, कभी प्रमोटेड होता है, कभी पेंडिंग में डाल दिया जाता है। मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। साथियों, मैं 2021-24 सेशन में यहाँ पे बिहार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसका मेन ब्रांच मुजफ्फरपुर में है, उसके ही यहाँ पे फॉर्म भरे थे, अप्लाई किए थे, और मेरा जो कॉलेज मिला था वो देवचंद कॉलेज हाजीपुर मिला था। वहाँ से मैं एग्जामिनेशन देता हूँ फर्स्ट ईयर का कहले, और मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्टों का एग्ज़ाम एकदम अच्छे से देता हूँ। हिंदी में मीडियम में देना था, दिया, मतलब जितना 3 घंटा लिखते रहा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्हें बहुत सारा चीज़ें आपके फर्स्ट पेज पे भरने होते हैं, इन्फॉर्मेशन कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, सब्जेक्ट कोड, एग्जामिनेशन कोड क्या है, फिर आपके जो सब्जेक्ट का यहाँ पे कुछ XYZ ऑनर्स कौन है, सभी चीज़ भरने पड़ते हैं, बहुत सारा चीज़ फिलअप करने होते थे। मैंने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से भरा, एक में भी 99% केस में मैंने सही सही भरा। हो सकता है 1% गलती होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें नहीं भरने आता था, ठीक है, तो उन्हें टीचर्स कैसे कैसे समझाते थे तो लोग भरते थे। तो मैंने हर एक कुछ अच्छे से जब दिया, मैंने 5 सब्जेक्ट अच्छा से एग्जामिनेशन को दिया, उसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता है, मुझे प्रमोटेड लिख दिया जा रहा है, मेरा 3 सब्जेक्टों में मार्क्स दिया ही नहीं जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप स्टूडेंट्स का काम यही रह गया है कि अपने वो रिजल्ट को सुधरवाने में ही अपना आधा समय बर्बाद कर दे? अब मेरे रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण मेरा नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं हो पाया है, और मुझे फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का ही या फिर फर्स्ट ईयर का ही एग्ज़ाम देने को बोला जाएगा। तो मेरा फिर से, मैं मान लेते हैं एग्ज़ाम दूँ भी, तो मेरा फिर से वही चीज़ आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा टीचरों का कहना है कि आपने सब्जेक्ट को मैथ ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स में या फिर आर्ट्स में आपने मैथ ढुका दिया, इसलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के वक्त ही या फिर एडमिशन लेने के वक्त ही आपने जब सब्जेक्ट मैथ चुनने का ऑप्शन दिया, तो मैंने जो जो मेरा पसंदीदा विषय था उसे मैंने चुना, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ये मुझे एडमिशन मैथ का ऑनर्स या फिर सब्सिडी में लिए नहीं दिया जाता? तो मुझे सब कुछ चुनने का अधिकार मिला, और जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो बोला जाएगा कि आपने चूंकि मैथ लिया है इसलिए आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। लेकिन यही नहीं, जिनका सब कुछ आर्ट्स में, सारा आर्ट्स विषय है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में गया है, उनके कई सारे सब्जेक्टों में मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो क्या उनका भी यही गलती था? उनका तो ये गलती नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने कितने सारे पहले जो आपके पास आउट हो चुके हैं, उसके पूर्ववर्ती विद्यार्थी थे, उनका भी मैंने यहाँ पे बातचीत किया हूँ, तो जानता हूँ कि ये बोर्ड उनका भी रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाता था। तो वो लोग बहुत सारे पैसे दे करके कैसे कैसे करके रिजल्ट सुधरवाते थे। मैं अब क्या करूँ? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे पास न पैसा है, न समर्थ है, न मेरे पास समय है, तो स्टूडेंट्स कैसे अपना रिजल्ट सुधरवाएं? स्टूडेंट्स का सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होता है, इसका जिम्मेवार क्यों, कौन है? आप बिहार बोर्ड को देख लीजिए, बिहार बोर्ड में 10-10, 15-15 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं टेंथ के, वहाँ पे ट्वेल्थ में भी 10 लाख से ऊपर बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छे से आता है। हो सकता है कि किन्हीं का रिजल्ट में कोई त्रुटि आ गया है, तो भी आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं, आपका रिजल्ट सुधर जाता है।
लगभग 99.9% बिहार बोर्ड का रिजल्ट 100% आता ही आता है। इस बोर्ड की तरह नहीं कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में आता है। मैंने आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं दिया जहां पे रिजल्ट आपका पेंडिंग में डाल दिया जाए। आप कम नंबर बनाए हो या फिर आपने फेल हुआ है तो ये अलग बात है। यहाँ पे रिजल्ट तीन तीन सब्जेक्टों में मुझे मार्क्स ही नहीं दिया जाता है बल्कि मुझे एब्सेंट कर दिया गया। मैं पांचों सब्जेक्टों में एग्जाम देता हूँ और टीचर्स से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट सुधार हो जाएगा, कुछ दिन वेट करो। और रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ, सेकेंड ईयर का एडमिशन हो गया और मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो इसका जिम्मेवार कौन है मैं पूछना चाहता हूँ। जो आपके कहले शिक्षा मंत्री है वो तो रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, बल्कि उन्हें अपने यूनिवर्सिटी में बिहार की जो शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं उस पे सुधार करना चाहिए था। तो चंद्रशेखर जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों के लिए बने हैं, शिक्षा विभाग आपका काम है, आप इसको सुधारिए। आप रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल उठाते हैं, आप जेल में डालने की बात करते हैं, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो क्या आपको इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए, मैं पूछना चाहता। और जो सवाल बिहार का सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप थे, जो इन सब यूनिवर्सिटी की जो डिले हो रहा है, 5-5 साल में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, इस पे सवाल उठाने वाले उनको तो आप जेल में डलवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 10-10 लाख 20-20 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चे का यहाँ पे स्टूडेंट्स का छात्र का कोर्स का रिजल्ट ही पब्लिश नहीं होगा तो नौकरी खाक करेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भूल से भी इस यूनिवर्सिटी में अगर कोई इसी प्रकार से बदहाली और कमियाँ चलती रही तो आप इस यूनिवर्सिटी में नाम मत लिखाइएगा। मैं नई यूनिवर्सिटी का बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं देख चुका हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में गया है। और हाँ, मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे एक तो कहिए कि मेरे पढ़ाई लिखाई पे एक बुलडोजर चला है, धब्बा लगा है, मेरा पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है। बीटेक मैंने पैसे के कारण छोड़ दिया, लेकिन मुझे यह आश्वासन था, अंदर से खुशी थी कि मैं बीएससी करूंगा, बीए करूंगा और यहाँ से बहुत ही आसानी से मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन इस पर भी ग्रहण चलता है और मेरा रिजल्ट पेंडिंग में आता है। और मेरे पास, मैंने बताया कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरा रिजल्ट पेंडिंग में जाता है और मुझे पास कुछ भी साधन नहीं है कि मैं अपना रिजल्ट सुधरवा सकूँ। मैं इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता और इंतजार तो यह हुआ कि अब एडमिशन हो गया सारे बच्चों का, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ ये कि जब बिहार बोर्ड जब इतने सारे बच्चों का वो भी 1 से 1.5 महीने में 100% इफिशियंसी के साथ रिजल्ट दे सकती है तो ये तो 12th और 10th से ऊपर का बोर्ड है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। तो ये यूनिवर्सिटी किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पे रिजल्ट बच्चों को अब्सेंट कर दिया जा रहा है। आप फेल पास कीजिए, त्रुटि होना अलग बात है, यहाँ पे बच्चों का रिजल्ट अब्सेंट कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। और मेरा मामला नहीं, ऐसे ऐसे बहुत बच्चों का यहाँ पे मामला है। मुझे सुधरवाने के लिए क्या करना पड़ता रिजल्ट को, तो बोला क्या है, एक बच्चे ने बताया है कि आपको पहले देवचंद जहाँ पे आपका स्कूल में एडमिशन हुआ है उस स्कूल में जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन लिखवाइए, प्रिंसिपल का साइन करवाइए और फिर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर पर आता वहाँ जाइए और वहाँ से कॉपी निकलवाइए और फिर वहाँ से जा करके आपको मुजफ्फरपुर जो मेन ब्रांच है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे जा करके आपको कुछ आगे का प्रोसेस होगा वो कीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट सुधरेगा। अब बताइए, स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है कि आपको ये सब चीज़ों में मैं पढ़ जाऊँगा तो मैं आगे क्या पढ़ाई खाक करूँगा। मैं और मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने बताया है मैंने पैसे के कारण बीटेक छोड़ दिया और मैं बीएससी कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ आसानी से डिग्री मिल जाएगी। पढ़ाई तो होती नहीं है डिग्री लेने के लिए या फिर जो भी यहाँ पे अपना से मैंने जो भी हिस्ट्री चुना था यहाँ पे हमें जानने को मिलता। और तो मेरा अब ये जो इस रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण मेरा आगे का पढ़ाई रुक गया है और अब मैं जो भी आगे भविष्य में बीपीएससी का एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन होता तो मैं दे सकता था, कुछ भी हो सकता था। मेरा पढ़ाई तो रुका, मेरा ये जो शिक्षा, मेरा जो आगे पढ़ाई करने का एक रास्ता था उसे बंद होना पड़ा। और इसके जिम्मेवार इस यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, उनको जाता है क्योंकि इस शिक्षा व्यवस्था को आपको बच्चे को अब्सेंट क्यों कर दिए। जो 100% पांचों एग्ज़ाम दिया है, बहुत ही अच्छे से दिया है, लग्न से दिया है, उसे आप अब्सेंट कर दे रहे हैं। और जब मैं बताता हूँ पहले दो विषय में क्या किया गया तो मार्क्स दिया गया और फिर नेक्स्ट बार अपडेट हुआ रिजल्ट में तो इस दो विषय को गायब कर दिया गया और बाकी तीन विषय को दे दिया गया और पेंडिंग में डाल दिया गया, एक बार प्रमोट में डाल दिया गया। तो आप भी ने साफ साफ कर दिया है कि मेरा पाँचों सब्जेक्टों में मार्क्स है, आपने ही दोनों बार जब चेंज किया और उसके बाद भी रिजल्ट में सुधार नहीं हुआ,
क्यों ऐसा क्यों? और ये सवाल ये है कि आप लोग इस यूनिवर्सिटी में आपको नाम नहीं लिखवाने हैं, मैं आह्वान करता हूँ, अगर इसमें कोई सुधार नहीं होती है तो। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस बोर्ड पे जुर्माना लगना चाहिए, इस मामला को कोर्ट को इस मामले को सुनना चाहिए और इस बोर्ड पर जुर्माना लगाना चाहिए। ये हजारों हजारों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस शिक्षा व्यवस्था को चौपट बना के रख दिए हैं। रही बात मेरा, तो मेरे पास कुछ भी साधन नहीं है, नहीं तो ये मामला कोर्ट में भी जाने लायक थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने बिहार बोर्ड का रिजल्ट या फिर जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है उसे देने में लापरवाही बिहार बोर्ड ने की थी, तो उस पर भी 5-5 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना बिहार बोर्ड को दिया था। तो यहाँ तो हजारों हजारों बच्चों को अब्सेंट कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे तो और बहुत बड़ा यहाँ पे केस बनता है, यहाँ पे सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन वही है कि जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं को सब कुछ हाथ में होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसे बच्चों के हाथ में कुछ नहीं होता है और अन्याय को सहने के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और तो और बिहार बोर्ड को देखिए, आज तक मैंने कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं दिया जहाँ पे बच्चों को रिजल्ट लेने में, डिग्री लेने में इतने सारे परेशानियों का सामना करता होगा। तो यही सब कमियाँ है, मेरा जो आगे का भविष्य है वो खतरे में हो गया है, मेरा पढ़ाई रुक गया है, मैं अन्य तरीकों से चारों तरफ से हारा हुआ था, यहाँ पे एक साधन थी पढ़ाई होने का वो भी रुक गया, तो मैं हर तरीके से अब निसहाय हो चुका हूँ। और इस यूनिवर्सिटी ने एक बच्चे का भविष्य खराब किया है और ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों का इनका रिकॉर्ड है कि बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में डालते हैं, अब्सेंट करते हैं, और मैं मेरे पास समय नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के लिए अपना सारा समय बर्बाद करूँ, मेरे पास साधन नहीं। जय हिंद, जय भारत।